नव निर्वाचित प्रधान ने की विकास की बात। जी हाँ, खबर है यूपी के बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गरीबपुरा में पहली बार ग्राम प्रधान पद पर चुनकर आई विपेंद्र कौर पत्नी मिल्कियत सिंह ने गांव के लोगों का आभार व्यक्त किया। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान विपेंद्र कौर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके पति ने मीडिया से बात की। प्रधान पति ने बताया कि लोगों ने हम पर पूरा विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास और लोगों की समस्या हल कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। निर्वाचित ग्राम प्रधान विपेंद्र कौर ने 160 वोटों से जीत हासिल की थी। देखिए बहेड़ी से विक्रम सिंह की यह रिपोर्ट। हाला जी, लोगों को प्रति क्या करना चाहेंगे इस विकास वगैरह के बारे में? जितना से ज़्यादा जितना होगा विकास गांव में कराना चाहता हूँ, ज़्यादा होगा कराऊंगा। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी आपके गाँव के, तो उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान जो हैं काफ़ी सारे ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खा गए हैं जी। और ज़्यादातर समथिंग लगभग अधिकतम 30% काम कराया है, जिससे लोग नाखुश हैं। और आपको प्रधान चुना है, आपसे उम्मीद है कि आप गांव का विकास करा सकते हैं जी। तो लोगों की इस उम्मीद पर आप कैसे खड़े उतरेंगे सर? मैं ये सोचता हूँ कि जितना काम जो विकास कम विकास हुआ है उसको मैं पूरा कराना चाहता हूँ। जो जितने भी आवास आते हैं आए हैं उनको बनवाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। जो कम हुए हैं, जो रुके पड़े हैं, उनको भी पूरा कराऊंगा। ज़्यादातर गाँव में देखिए लोगों की समस्या दो ही होती है, एक तो शौचालय की समस्या और दूसरी समस्या है आवास योजना की। ठीक है सर, तो मान लीजिए आपके गाँव में जाहिर सी बात है शौचालय तो काफ़ी लोगों के बने हुए होंगे इस वक्त, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ज़्यादातर सभी लोग सभी गाँव जागरूक हो चुके हैं। और जैसे कि अगर किसी के पास कोई शौचालय या आवास नहीं है, तो इसका पता आप कैसे लगाएंगे कि इसके पास आवास नहीं है तो इसको मैं आवास दिलाऊँ? तो आवास जिसके पास नहीं है वो खुद ही आए, दूसरी बात सर किसी भी गांव की, अगर आप दो गांव के प्रधान बने हैं जी, देवी नवादा और गरीबपुरा में, मान लीजिए आप इस वक्त गरीबपुरा में हैं और देवी नवादा में कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई आवास नहीं है या कोई शिकायत या समस्या है जी, तो उसका हल आप कैसे करेंगे? मैं जाके पता करूंगा, घूमता रहूंगा। ये थोड़ी है कि प्रधान बनेगा तो मैं घर बैठा रहूंगा। चलिए, तो अच्छी है। चलिए फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका 2 मिनट का अपना कीमती समय में देने के लिए। एक बार फिर हमारी टीम की ओर से आपको जीत की बधाई सर।